प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत के मशहूर पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट कश्मीर से याना मीर जी, और ये दोनों बात करेगी भारत में हो रहे चुनाव के त्योहारों पर। जी हाँ, यानी कि चुनावों की गर्मा गर्मी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी याना मीर। बहुत शुक्रिया याना, क्या जा पाई हैं? थैंक यू सो मच। आई नो कि बहुत टाइट शेड्यूल है, बहुत ज्यादा काम है याना, फील्ड में काम कर रही है इलेक्शंस में। बहुत शुक्रिया क्या ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी हाँ, फील्ड पे काम कर रही हूँ, मजा भी आ रहा है, लेकिन थकान भी बहुत हो रही है दिल्ली की गर्मी में। लेकिन ये तो बताएं कि क्या देखने को मिल रहा है, पब्लिक बाहर आ रही है या लोग कम निकल रहे हैं वोटिंग के लिए? इलेक्शन की कुछ है गहमा गहमी, लोग बाहर आ रहे हैं, और कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रही है? इलेक्शन की गर्मा गर्मी तो डेफिनेटली है, एंड आई वुड से कि देखिए लोग इस तरह से कुछ कंफ्यूज हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि देयर इज उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको सचमुच बता दूं, पीपल वेल बीजेपी से जिस तरह की उम्मीदें थी, उनको ऐसे फील हो रहा है कि उम्मीदें टूटती जा रही, क्योंकि आप देखिए वो वॉशिंग मशीन वाले वॉशिंग मशीन से साफ करके कैंडिडेट्स को लाया जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की जा रही है सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे। तो जाहिर बात है कि भारतीय जो है ऑन द होल हम सेक्युलर लोग हैं, तो अगर हमें ज्यादा एक तरह से ना पोलराइज करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं हम मतलब हमें वी विल गेट अनकंफर्टेबल। अगर हमसे कहा गया कि ये एक सर्टेन कॉम है जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, आपको इनको हेट करना है, लेकिन वो हम ऐसे वी आर नॉट हेटर्स। भारतीय जो हमारी जो संस्कृति, जैसे हमारी सभ्यता है, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी थिंकिंग है, वी आर सेक्युलर पीपल। तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो इतना हो रहा है कि बीजेपी के जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, जीडीपी को लेके हो, कई बहुत अच्छे काम किए हैं। कमियां तो हर गवर्नमेंट में होती है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक सारे गवर्नमेंट्स में, जितने भी गवर्नमेंट्स इंडिया में आज तक आई, सबसे अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं। लेकिन वो ये जो पोलराइजेशन वाला एटीट्यूड है उनका, ये उनके अपने कामों को ओवरशैडो कर रहा है। पोलराइजेशन वाला नैरेटिव जो है उनके अपने कामों को ओवरशैडो कर रहा है। और दूसरी चीज ये है, लोगों को लग रहा है वॉशिंग मशीन वाले कैंडिडेट्स क्यों आ रहे हैं, कि भाई जब बीजेपी में नहीं होते तो ये क्रिमिनल्स हैं, जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनका कच्चा चिट्ठा साफ हो जाता है, पूरा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही साफ हो जाता है। तो ये चीजें लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज की नौकरियों को लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। तो जहां तक मैं, एंड ऑफकोर्स अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, उससे उनको बहुत सिंपथी मिली है। कई लोग जो उनके वोटर्स नहीं भी हैं, वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे कि ये जो हो रहा है भी ठीक नहीं हो रहा है। आई मीन वो सीएम है आफ्टर ऑल, तो अब पैरोल पे राम रहीम जैसे लोग पैरोल पे निकल जाते हैं, तो एक यूनियन टेरिटरी का सीएम जो है, दिल्ली एनसीआर एरिया का जो सीएम है, वो कैसे कैसे वो रह सकते हैं जेल के अंदर, वो भी इलेक्शंस के टाइम। तो ये लोगों को खटक रही है कुछ बातें, कई लोग इन चीजों की वजह से। हालांकि आप देखो तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, उनको ईडी से समन्स आए थे, वो समन में गए नहीं, 8 समन्स उन्होंने मिस कर दिए, तब जाके उनको जेल हुई। तो ये एक प्रोसेस है, इससे डायरेक्टली बीजेपी का कोई लेना देना है, मगर बीजेपी ऐसी चीजें होने दे रही है, तो इस चीज की वजह जो है लोग थोड़े से खफा, उनको लग रहा है कि तानाशाही का कहीं स्टार्ट तो नहीं है। लोग बेसिकली, मैं कंक्लूजन बता दूं, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जो दूसरी जो सियासी मुखालिफ है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है याना? हमने भी जैसे पाकिस्तान से यही देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए, चाहे इकोनॉमी को लेकर और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लेकर आए, स्पेशली कश्मीर, जहां से आप हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से इस वक्त अमन है और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो सब तो इनके फेवर में जाते हैं।
तो फिर आखिर इतनी घबराहट किस बात की दिख रही है बीजेपी में कि वो कभी मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं तो कभी कोई और बात हो रही, कभी अपोजिशन को कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल से ये सब कुछ क्यों है? जी सॉरी कट हो गया था। नहीं नहीं इट्स ओके, आपने आपने मेरा क्वेश्चन लिया। जी, आपने ये पूछा कि पाकिस्तान में भी सेम देखने को मिलता है, कश्मीर में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद मैंने नहीं सुना, सॉरी। मैं यही बात कर रही थी कि पाकिस्तान में भी सब यही हैरान हो रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, जितनी दिन उनकी गवर्नमेंट रही तो उसमें कश्मीर के प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो भी हमने देखा, कश्मीर में भी एक अमन आया है और कई दूसरी चीजें जो कंट्री के लिए की गई, चाहे इकोनॉमी हो या कुछ भी, उसके बावजूद ये घबराहट किस बात की है कि अपोजिशन लीडर भी अरेस्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम टारगेट होते हैं या कुछ अग्रेसिव किस्म की स्पीचेस जो हैं वो बीजेपी के लीडर्स की तरफ से देखने को मिली, तो आखिर इनके एडवाइजर्स ये मिसगाइड कर रहे हैं, हो क्या रहा है? पता नहीं, बिकॉज एज अ मुस्लिम एंड एज अ कश्मीरी आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मैंने ऐसी चीजें सुनी। आई विल टेल यू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कश्मीर में भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है इलेक्शंस को लेकर बहुत। एंड वहां पे जो वेव है, एवरीबडी इज हैप्पी दैट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस में बहुत, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, पीपल आर एक्टिव। ये नहीं कि पिछले पहले जैसे होता था कि बॉयकॉट ही कर दो भाई इलेक्शन, हमें क्या इंडिया से लेना देना, नहीं है। आज का जो जनरेशन है वेरी एक्टिवली इन्वॉल्वड, इलेक्शंस को एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक्टिविटी है, एंड कोई भी एंटी नेशनल हरकत नहीं हो रही है, कोई भी बैन करने की कोशिश नहीं हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं कि हम आकर वोट करें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक फेज तो हो भी गया और बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट आया कश्मीर से। और जब मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की, मैंने ये देखा कि बीजेपी के कई सपोर्टर्स हैं वहां पर, कह रहे हैं कि अगर हमारे कश्मीर को किसी ने बदला तो मोदी जी ने, और आगे भी बदलाव अगर आएगा, तरक्की अगर आएगी तो मोदी जी से ही आएगी, कितने लोग कश्मीर में ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मुसलमानों को इस तरह से अपनों से अलग किया जाता है, उनको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, तो ये बहुत ही हर्टफुल चीज है। एज अ मुस्लिम आई विल टेल यू इट्स वेरी हर्टफुल। लेकिन फिर हुआ ये कि मोदी जी अलीगढ़ गए और वहां जाकर उन्होंने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर दिया। उन्होंने इनडायरेक्टली वाजिया कर दिया कि आउटसाइडर कौन है, घुसपैठिया कौन है, और अपने मुस्लिम्स कौन है, अपने भारत के मुस्लिम्स कौन है। सो ही वॉज ट्राइंग टू से कि भारत में भी बहुत बड़ा मुस्लिम तबका है, जो भारतीय मुस्लिम एक तरह से कह सकते हैं ये कन्वर्ट्स हैं, पहले हिंदू थे अब कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए पिछले कुछ जनरेशन से, ठीक है। इनको जो है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना इनकी कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स में कोई इनको पूछता है कहीं भी, ना इनको जॉब्स मिलती है, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी अशराफिया मुस्लिम्स के हवाले से। अशराफिया मुस्लिम्स वो है जो बाहर से आ, जैसे आपके यहाँ मुहाजिर जिनको कहते हैं, तो हमारे यहाँ अशराफिया मुस्लिम वो है जो जिनकी डिसेंट जो है वो विदेशी है। फॉर एग्जाम्पल सैयदीज जो हैं, या खान्स जो हैं, या मुगल्स, तुर्क, इस तरह के जो जिसके सरनेम्स हैं। तो मीर भी मैं कहूंगी कि वो पसमांदा नहीं है, सन्स ऑफ द सॉइल नहीं है, लेकिन एक तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पसमांदा मुस्लिम्स हैं वो यहीं के हैं, भारत के हैं, और इनको ना गजवाए हिंद चाहिए, इनको ना लव जिहाद में इंटरेस्ट है, इनको बस चाहिए कि भाई हमें भी इक्वल फुटेज मिले, हमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई हमसे भी पूछ के देखे कि हम क्या, हमें भी जॉब्स मिले। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और याना मीर जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।